आ जा, सीटी मार के बाहर निकाल देंगे तुझे। आओ अरे इसको मत कर, ऐसे गिर जाएगा बच्चा। आ जा पीछे आ जा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे। हम लोग भी हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और सुरेंद्र जी आ गए हैं ऑफिस से जल्दी। क्यों भाई क्यों, आज जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से और दोपहर का लंच यहाँ कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है सुरेंद्र जी तो ऑफिस टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं। हाँ जी, आज ये स्पेशल है कि सुरेंद्र जी जा रहे हैं दिल्ली 5 बजे वाली ट्रेन से, इसलिए मैं बना रही हूँ ट्रेन के हाथ जल गया ट्रेन में पैक करने के लिए डब्बा। अभी दोपहर में खाने के लिए मैंने दाल चावल बनाए थे, डिनर होगा सुरेंद्र जी का ट्रेन में, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चिली पनीर की सब्जी और रोटियाँ। 3 रोटी पैक कर रही हूँ रात के लिए। अच्छा दिल्ली क्यों जा रही है ये तो बता दे। बताती हूँ, पहले सब्जी तो बना लूँ। दोस्तों ये है मेरा चिली पनीर। हाँ समझ गए, शिमला मिर्च के अंदर पनीर डाल रही है। साथ के साथ में चाय भी बना रही हूँ, निकलने से पहले सुरेंद्र जी चाय भी पी के जाएंगे ना। अच्छा जी और कुछ? हाँ है ना, जिस सब्जी की तूने बेइज्जती मारी थी उसकी शक्ल तो देख ले। वाह शक्ल में तो बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। चल तूने झूठी मूठी की तारीफ करी है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ सुरेंद्र जी दिल्ली क्यों जा रहे हैं। भाई और बहनों दिल थाम के बैठो, सुरेंद्र जी जा रहे हैं दादी को लाने। दादी आ रही है पीकू रन्नू की। हाँ गोवा से आने के बाद मम्मी दिल्ली चली गई थी, कुछ जरूरी काम था, तो अभी काम खत्म हो गया है तो मम्मी ने बोला आजा बेटा मुझे ले जा, तो सुरेंद्र जी जा रहे हैं दिल्ली। ये पीकू रन्नू की छोटी बुआ के लिए चिप्स रख रहे हैं, उन्हें या वडोदरा के चिप्स बहुत पसंद है, पतले पतले आलू के, बनाना के, करेला के, ऐसे क्वालिटी के चिप्स वहाँ दिल्ली में नहीं मिलते। अजी हाँ दिल्ली में तो सब मिलता है, ऐसे कैसे? अरे हाँ यार मिलते तो हैं, लेकिन यहाँ वडोदरा में एक स्पेसिफिक दुकान है, वहाँ पे हैंडमेड बनाना, करेले, आलू के चिप्स मिलते हैं। वैसे दिल्ली में नहीं मिलते, दिल्ली में तो मशीन के बने हुए मिलते हैं। वाजी वाह बढ़िया है, ये पीकू रन्नू देखो कैसे पापा को परेशान कर रहे हैं लायक। अरे बेटा पापा का जूता दे दे। कुछ नहीं है, अभी खुशी इस बात की बना रहे हैं क्योंकि पापा जा तो रहे हैं लेकिन लेकर आएंगे दादी को, इसलिए प्यार प्यार से जाने दे रहे हैं। अगर किसी और काम से कहीं जा रहे होते ना तो ये दोनों रो रो के घर भर देते। ऑटो आ गया पीकू, ये क्या दे रहा है? पापा मैं बता रहा हूँ आपको, गजब की भूख तो लगेगी। स्वीट पापा को गज्जक का डब्बा दे रहा था ट्रेन के लिए, लेकिन पापा तो दिल्ली में यही खाएंगे गज्जक ही गज्जक। भैया इसका ड्रामा खत्म नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। अरे जब तुझे नहीं ले जा रहे तो रेंजी क्यों जिद कर रहा है? अरे दोस्त आदत से मजबूर है ना, सोच रहा है तुक्का लग जाए और पापा ले ही जाए। है इस बार तो बड़ी खुशी खुशी बाय बाय कर रहे हैं पापा को, वरना हर बार तो बहुत रोते हैं। समझा कर यार, दादी को लेकर आ रहे हैं पापा, ये दादी के आने की खुशी है। देखो इसका ड्रामा खत्म नहीं होगा। अगर तू जाता ना तो हम तेरे पीछे आइसक्रीम खा लेते शिल्पा आंटी के साथ। शिल्पा नहीं शिल्पा। ये क्या, मुझे तो लग रहा है कुछ प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग सुरेंद्र जी के जाने के बाद। हाँ जी हाँ, आज फ्राइडे को ऑफिस करके शाम को निकले ना सुरेंद्र जी, प्लानिंग ये है कि कल सैटरडे की पीकू की छुट्टी करा देंगे, रन्नू की तो छुट्टी होती है क्यों रन्नू, और हम तीनों माँ बेटा पापा के बिना करेंगे मस्ती। मैं अपनी फ्रेंड शिल्पा को बुला लूंगी कल और फिर चारों मिलके देख कर आएंगे मूवी, वो भी इनऑर्बिट मॉल में। क्या बोलती है चलेगी तू भी? मूवी देखूंगी। इतना भाव खाएगी, रहने दे मत जा। नहीं 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 बहन चलूंगी चलूंगी। अरे मजाक मत उड़ा यार, अच्छा है आ रही होगी पापा की यार। हाँ यार सही बोल रही है, पूरी रात इरिटेट किया पीकू रन्नू ने मुझे, पापा पापा हर घंटे में फोन कर रहे थे, कभी कभी ट्रेन में सिग्नल नहीं मिलता है तो भी इरिटेट कर रहे थे कि पापा का फोन नहीं मिल रहा। चलो जी अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं घी में तले हुए मखाने और दूध। वाह जी वाह बढ़िया है। हाँ यार हम तीनों ने सोचा चलो आज लेजी वाला नाश्ता कर लेते हैं फटाफट, और सुबह सुबह मखाने और दूध पीते हैं ना पता है पूरे दिन भूख भी नहीं लगती। ये तो हैवी ब्रेकफास्ट तो होता है ये। हाँ और ऊपर से हेल्दी भी रहता है। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम तीनों आ गए हैं सोसाइटी के पार्क में। अभी घर में क्या करते तो सोचा चलो विटामिन डी खाते हैं और धूप में थोड़ी मस्ती करते हैं। रन्नू मत करो। अच्छा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं तो आराम से लेटी हुई थी, ये सारी शूट ना पीकू रन्नू खुद ही कर रहे हैं। मेरा फोन छीन लिया और बोलते हैं आज व्लॉगिंग हम करेंगे। ओ ये बंदर वाली उछल कूद, ये खुद ही शूट कर रहे हैं अपनी। जी हाँ अब इनके करतब देख लीजिए। अय्या के सर पे कौन मारता है? ओ क्या हुआ रन्नू, क्यों मार रहा है मुझे? क्या कर रहे हो? एरोप्लेन बनने पड़े हो क्योंकि एरोप्लेन आ रही हवा में, तो एरोप्लेन बन रहे हो। वाह 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 वाह,
बेटे मौज कर दी मौज। नाम जा रंजी। अच्छा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मैम ने सिखाई क्या? हाँ। झूठ मत बोलियो। सो गए रैंसी, उठ जा रैंसी। अरे भाई साहब इनकी तो फुल ऑन मस्ती चालू है। पूछ मत यार, 2-3 घंटे हम लोग पार्क में रहे, इन लोगों ने इतने वीडियोस बनाए कि मेरे फोन का स्पेस खत्म हो गया। हाय ये दोनों तो गदर है। हाँ कितनी वीडियो डिलीट करी मैंने इसके बाद। सही है बहन तेरा सही है। अरे भाई रन्नू किसके लिए फूल चुन रहे हो, किसको दोगे? अपनी कोई फ्रेंड को दोगे क्या? क्या बात है। अभी लंच टाइम में मैं बना रही हूँ जल्दी से फटाफट रोटी और ऑमलेट। आज सुरेंद्र जी तो है नहीं, तो जो हमारा मन करेगा वो हम खाएंगे। मन करेगा या जो आराम से बन जाएगा वो खाएंगे? हाँ यार सही पकड़े। मैंने सोचा कौन इतना काम करेगा, जल्दी से ऑमलेट और रोटी बना देती हूँ। कल तुझे बताया था ना आज सैटरडे को मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं। हाँ हाँ तो क्या हुआ, नहीं जा रहे क्या? अरे यार जब देखो मुंह से गलत बात ही निकालती है। हम लोग जा रहे हैं लेकिन शाम को 4 बजे का शो है। ओ जी वल्ला क्या बात है। तो पहुंच गए हम इन ऑर्बिट मॉल मेरी फ्रेंड शिल्पा के साथ। शाम के 4 बजे का मूवी शो है तो हम लोग 3 बजे यहाँ आ गए। अरे इसको मत कर ऐसे गिर जाएगा बच्चा, चलो आओ। ये दोनों बन गए भेड़िया। तो इससे आइडिया लगी गया होगा कि हम कौन सी मूवी देखने आए हैं। नहीं झूठ बोल रही है। नहीं 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 तू सही समझ रही है बहन, वही वही यही मूवी देखने आए हैं। भेड़िया। हाँ सही पकड़े। अरे मुझे लग रहा है इनको मूवी से ज्यादा ये फाउंटेन पसंद आ रहा है। हाँ सोच रहे थे इसमें नहा ही लें। हद। चल तू इनकी छोड़ अंदर चलते हैं मॉल में। हेलो शिल्पा कैसी हो, फोन में क्या चेक कर रही हो? अरे वो ऑनलाइन चेक कर रही है कि मूवी की टिकट अवेलेबल है या नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, टिकट नहीं करवाई थी अभी तक? अरे नहीं रे, हमने सोचा वही काउंटर से ही ले लेंगे। तो फिर चेक क्या कर रहे हो? अरे यार सीट चेक कर रहे हैं आगे मिलेगी या पीछे मिलेगी। वाह खुशी का कोई ठिकाना नहीं है तुम चारों की। ये तो सही बोला, कोविड के बाद बच्चे तो पहली बार मूवी देखने आए थिएटर में। अरे क्या बात कर रही है, 2-3 साल हो गए उस बात। हाँ बहन 3 साल बाद हम लोग थिएटर में मूवी देखने आ रहे हैं, तो खुश कैसे ना हो बता तू। सही है सही है, वो भी 3D मूवी। तो लो जी पहुंच गए हम लोग यहाँ इन ऑर्बिट मॉल में, मूवी सेक्शन 3rd फ्लोर पर है। फाइनली टाइम पर पहुंच गए। शिल्पा को बहुत टेंशन हो रही थी कि हम लोग की मूवी निकल जाएगी, स्टार्टिंग तो देखने को ही नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग टाइम पर पहुंच गए हैं। वाओ भेड़िया वो भी 3D में, ये तो 3D चश्मे भी मिल गए। हाँ और पीकू रनु कंफ्यूज भी है यार, इनका करना क्या है, मतलब यहाँ पहुँचे बाद में और पॉपकॉर्न की स्मेल आ गई है दोनों को। सुना पहुंचते ही भूख लग रही है इन्हें, तो अभी क्या कर सकते हैं इनका? कुछ नहीं इग्नोर कर वहाँ जाके खड़ी हो जा, हमारी मूवी है Screen 2 पर, चल वहीं चलते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। अरे रन्नू कहाँ जा रहे हो, वो 3 है हमारा Screen 2 पर है, आ जा इधर। पीकू खुशी। यार पता नहीं कब मूवी दिखाएंगे, पर इन दोनों ने मेरा खून पी लिया, भूख लग रही है भूख लग रही है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ इनके लिए आइसक्रीम। ऊपर से भैया ये मॉल वालों के प्राइस, यहाँ के तो फूड प्राइस आसमान छूते हुए हैं। ये एक छोटी सी आइसक्रीम 200 रुपए की है। आइला इतनी महंगी? हाँ यार तू सोच अगर बाहर ये लेते तो कितनी सस्ती मिलती, पर यहाँ पे तो लूट मची हुई है। अब भैया बच्चों के साथ आओगे तो इतना तो तुझे करना ही पड़ेगा। सही बात है यार। ये देख सब जगह एक ही हाल है, इस बच्चे को भी देख लो ये भी बिखरा हुआ है, बच्चों ने माँ बाप की हालत खराब की हुई है। चलो जी फाइनली इंतजार खत्म हुआ और हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब मिलेंगे हम मूवी खत्म होने के बाद। सही है, वैसे भी बीच में अगर कैमरे की लाइट मारेगी या बोलेगी तो पब्लिक बहुत पीटेगी। अभी हुआ है मूवी का इंटरवल, रन्नू पीकू की फरमाइशें फिर से चालू हो गई हैं, तो मैं आई हूँ इनके लिए लेने पॉपकॉर्न नाचोज वगैरह। हमने ऑर्डर किया है फैमिली पैक जिसमें बड़ा वाला पॉपकॉर्न है, एक नाचोज है, हॉट डॉग है और 2 कोल्ड ड्रिंक है। ये बिग फैमिली पैक पड़ा हमें 1070 में, हम चारों के लिए तो इनफ है। सही है सही है। अभी यार ऑर्डर देते देते इतना लेट हो गया हमें, थोड़ी सी मूवी तो हमारी निकल भी गई। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी सीट पर लाकर ही दे देंगे। बताओ अब इन लोगों को कौन समझाए कि हमें व्लॉग में पॉपकॉर्न दिखाने। वही तो, हमारा ऑर्डर अंधेरे में आया, मैं शूट भी नहीं कर पाई। अगर करती ना तो पब्लिक तुझे बहुत मारती। हाँ यार आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने कैमरे की लाइट ऑन नहीं करी। ये फाइनली मूवी खत्म हो गई। अरे मूवी कैसी थी ये तो बता दे। यार ये तो तुझे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल गया होगा। हाँ खुश तो नजर आ रहे हो। चल पहले 3D वाले चश्मे दे देते हैं उसके बाद बताती हूँ।
तो यार मूवी बहुत औसम थी, मजा आ गया। VFX मूवी के इतने औसम है ना, कहीं कहीं भेड़िया को देख के पीकू रानू डर भी रहे थे। 3D जो थी ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया उछल के मुंह पे ही आ रहा हो। मूवी के शुरुआत में थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, फिर बीच बीच में जो जोक्स और पंच आ रहे थे वो भी अच्छे थे, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद मूवी इंटरेस्टिंग हो गई थी। और हाँ दोस्तों, मूवी के लास्ट में एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है भैया, बता दे। क्यों बताऊं, तूने भी तो मूवी देखी है। अरे यार बता देना प्लीज, मैं मूवी के बीच में सो गई थी। लॉजिक कर लो बात। चल सुन, लास्ट में हमें स्त्री मूवी का कुछ पार्ट दिखाते हैं, वही राजकुमार राव वाली स्त्री मूवी, ड्रावनी वाली। ऐसा लग रहा है कि स्त्री मूवी आने वाली है और भेड़िया से भी रिलेटेड है। ओए बाहर आजा, सीटी मार के बाहर निकाल देंगे तुझे। ओ ये बात है, तो ये देखो पीकू रानू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सही बोला यार, ये लोग यहाँ और रोला पाए इससे बेटर है इनको घर ले जाते हैं। चलो यार इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। हम लोगों को तो शिल्पा घर ड्रॉप कर देगी, बट प्लीज दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। व्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो या नए सजेशंस देने हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे यार दादी आ रही है। आज रात 8 बजे की ट्रेन है सुरेंद्र जी की दिल्ली से वडोदरा की, यानी कल मॉर्निंग 9 बजे तक मम्मी और सुरेंद्र जी घर आ जाएंगे। ये कल बच्चे दादी के साथ मजे करेंगे। अब बेटा तेरा राज खत्म, अब तो दादी का राज चलेगा। सही बोला यार, दादी के सामने तो पीकू रानू को डांट भी नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। अब नहीं डांट पाओगी इन्हें। हाँ यार अब तो इन्हें दादी बचा लिया करेगी। अब तेरा क्या होगा कालिया।